पहले जब नून लीग इलेक्शन में जाती थी तो उनके पास प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट एक होता था, नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ कॉन्स्टिट्यूशन के अतबार से इस वक्त डिसक्वालिफाइड है, उनके पास स्कोप नहीं है दोबारा हाउस का रुकन बनने का भी या वजारत उज़्मा संभालने का भी। नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वजीर आज़म बन सकता है, मरियम बन सकती हैं, शहबाज शरीफ बन सकते हैं, कोई और पार्टी से शाहिद खाकान दोबारा बन सकते हैं। ये शायद एक वजह बन गई है जिस वजह से एक डिवीजन है, एक तनाव वाली कैफियत है। एहसन इकबाल के बयान सुने तो लगता ही है कि फौजी गाड़ियों में तेल शेल भरवा के तेजी कर रहे हैं। क्या होने वाला? न सिर्फ एहसन इकबाल साहब बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के पूरा बारे में तो लेक्चर दिया तबसरा उन्होंने किया। कराची में, और आज के अखबारात में शौरी निसार साहब ने जो कल प्रेस टॉक की है मीडिया से, उन्होंने भी यही वो आज बात। रिपोर्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहने का मतलब यह है कि वो किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं, वो किसी अजम्पशन की बुनियाद पर नहीं कह रहे। और फिर वो क्या कह रहे हैं, उनके अल्फाज ज़रा गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि किसी गैर आइनी निज़ाम से या किसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। सवाल यह है, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जमहूरियत सूट कर रही है, जमहूरी तसलसल सूट करता है? हो सकता है हो, लेकिन मेरे ख्याल में यह सूट नहीं करता है, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को ये कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी सूट नहीं नहीं करती? करती है, ये इसलिए बड़ी नहीं अजीब करती। गरीब बात है, पीपल्स नहीं, पार्टी के मुंह से तो और भी अजीब लगती मैं उसके लाती, है। मैंने कहा कि मैं हो सकता है बिल्कुल गलत कह रहा हूं। हुदैबिया का केस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे उसका अपील फाइल कर दी गई है। जो लाहौर वाला मॉडल टाउन इंसिडेंट है वो भी खुल रहा है। अब इस सारे अमल में अगर तो बिजनेस एज यूजल चलता है आराम से, तो अगले 4 महीने में तो जी पाबंदी है, ये कन्विक्शन हो जाए। उनको तो पता है ना मेरे साथ क्या होना है, ये मेरे मेरे क्या डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, क्या क्या चीजें सामने आ गई हैं। अगर मियाँ साहब आराम से बैठे बैठे, आपका क्या ख्याल है, मियाँ साहब भी, उनकी बेटी भी, उनके बेटे भी, उनके दामाद भी, उनके संबंधी भी, उनके भाई साहब भी, उनके बेटे भी, इन सारा टब्बर जो है वो तोड़ा ख्याल है भी वो कन्विक्ट हो जाएंगे और वो उनको सूट करेगा कि एज ऑफ टूडे नवाज शरीफ साहब स्टैंड डिसक्वालिफाइड, नहीं, एज ऑफ टूडे ही स्टैंड डिस्कालीफाइड, बट द रेस्ट ऑफ फैमिली इज मे बी वो अपनी अंडर बेटी के लिए ट्रायल, कोशिश कर रहे ही हो कि इज अंडर बेटी के लिए ट्रायल। रास्ता देखे बच ना, जाए।